sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. Hello friends, good morning, namaste everyone, welcome back to the channel. मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए. तो आज है फ्राइडे, अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट. तो आपने तो देखा मैंने रोटी बना लिया है, अभी मैं बना रही हूँ बैंगन फ्राई. रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, रोटी और गर्मा गर्म बैंगन फ्राई हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा चाय के साथ. और अभी टाइम हुआ है सुबह के 8:20 या फिर 8:30, ऐसा कुछ टाइम है. तो मैंने तो बना लिया है रोटी, अभी बैंगन फ्राई हो जाए उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा चाय पी लूंगी, और हस्बैंड अभी नहा रहे हैं, उनको थोड़ा सा लेट होगा तो मैंने सोचा कि उन्हें मैं थोड़ा सा चाय पी लूं. और बोल रहे थे कि तुम पहले चाय पी लो, हम बाद में एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे. तो इसलिए ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं थोड़ा सा चाय पी लूंगी, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट एक साथ करेंगे. तो अभी मैं बच्चों को भी खिला रही हूँ और साथ में मैं चाय पी रही हूँ, और बच्चों का खाना हो जाएगा साथ में मेरा भी थोड़ा सा चाय पीना हो जाएगा. सुबह सुबह जब तक गर्मा गर्म एक कप चाय ना पीती हूँ ना, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है. तो इसलिए मैं पहले थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ अगर हस्बैंड को लेट हो जाए तो. सो फ्रेंड्स, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है. तो ब्रेकफास्ट के बाद अभी जो किचन का काम मैं फिर से लग गई हूँ, तो ये सारा बर्तन को मुझे अभी क्लीन करना होगा. उसके बाद मैं जाऊंगी बच्चों को नहला दूंगी, फिर से मैं आके किचन का काम स्टार्ट करूंगी. तो दूसरा काम जो रहता है वो सब काम मैं कर लूंगी. और ये जो आप कंटेनर देख रहे हो लंबा सा, ये दूध लाने के लिए पहले यूज होता था, बहुत पुराना है. तो मैंने इसको निकाल के अभी अच्छी तरह से मांझ लिया है, मुझे ये इतना पसंद आया है तो मैं इसमें पानी भर के रख दूंगी. तो ऐसे बहुत सारा पुराना चीज है जिनको फेंका नहीं जा सकता, जो कभी भी एकदम पुराना नहीं होगा तो ऑल टाइम यूज हो सकता है. तो वैसा ही है ये. तो घर में रहते रहते थोड़ा सा ऐसे दाग हो गया है, जो स्टेन पड़ गया है थोड़ा सा. तो इसीलिए तो सारा बर्तन मैंने कर लिया है. यहाँ पे मैं जो कॉर्नफ्लेक्स रखने का जो डब्बा है उसको मैं अभी क्लीन कर रही हूँ. तो खाली होने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे क्लीन कर लेती हूँ, महीने में एक बार क्लीन करती हूँ. ये सारा जो डब्बा होता है उतना मैला नहीं होता है, क्योंकि मैं इसको बाहर नहीं रखती हूँ, कैबिनेट के अंदर रखती हूँ, तो इसलिए ऑयल वगैरह नहीं पड़ता है तो उतना मैला भी नहीं होता है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल. कैसे आप सब, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज फ्राइडे है, अभी मैं लंच बना रही हूँ, 11:30 बज चुके हैं. सुबह का ब्रेकफास्ट सब कुछ जो भी काम रहता है सुबह का सब कुछ हो गया है. तो अभी लंच बनाने की मैंने स्टार्ट कर दिया है लंच बनाना. दाल बॉयल कर लिया है और मैं बनाऊंगी भिंडी फ्राई बनाऊंगी. तो परवल को थोड़ा सा फ्राई करूंगी, उसके नीचे देखिए आलू, दो आलू डालूंगी मैं पनीर आलू की सब्जी में. और ये देखिए पनीर मैंने आधा आधा कर लिया है, मैंने आधा पनीर रख दिया है कल के लिए और आधा आज बनाऊंगी. एक टाइम का पनीर मैं बनाऊंगी सिर्फ दोपहर के लिए, और रात को गर्मा गर्म कुछ और मैं बना लूंगी. और दोपहर का जो सब्जी है रात को कोई भी खाना नहीं चाहते हैं, ठंडा हो जाता है और टेस्ट भी उतना नहीं आता है. तो मैं एक टाइम का ही सब्जी बनाती हूँ अब, और खास करके अभी तो गर्मी का सीजन है इसीलिए. और अभी दाल बॉयल हो रहा है, बॉयल हो गया है तो मैं उसको अभी तड़का डालूंगी दाल में, और भिंडी फ्राई बनाऊंगी. तो भिंडी को अभी तक मैंने नहीं काटा है, भिंडी को अभी मैं काट लूंगी. तो जैसे छोटा छोटा भिंडी की भुजिया भी बोलते हैं. और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, और अभी जो गर्मी का जो जाने का टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है. मतलब इस महीने में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है, गर्मी रहता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. बार बार पानी पीने का मन होता है, कोई भी खाना वाना ज्यादा बनाने का मन भी नहीं होता है. तो जितना जल्दी जल्दी लंच बनाना हो जाए उतना ही अच्छा है.
तो चलिए फटाफट मैं लंच बनाना कंप्लीट कर रही थी। आज मैं पूरा जो सब बर्नर का मैं यूज करूंगी, तो तीन बर्नर है तो तीन बर्नर में ये मैं अभी बनाऊंगी लंच, ताकि जल्दी जल्दी खाना बन जाए। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping. तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने पनीर की रेसिपी जो है शेयर किया है, आप भी शायद बोर हो गए होंगे। तो चलिए, मैं आज कोई भी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं खाना बना रही हूँ, बैक टू बैक बनाऊंगी, जो जितना हो सके मैं शेयर करूंगी। Lion's gonna come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. So friends, तीनों बर्नर का यूज करके मैंने बहुत ही जल्दी खाना बना लिया है। अब लास्ट में ये पनीर हो जाए तो मेरा खाना बनाना कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक मैं काउंटर टॉप को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, और अभी जाऊंगी बच्चों को पहले खिला दूंगी, अच्छी तरह से हैंड वॉश करूंगी, उसके बाद जाऊंगी बच्चों को पहले खिला दूंगी। तब तक ये पनीर आलू का करी हो जाएगा। पनीर नरम हो चुका है तो पनीर मैं निकाल लूंगी, दाल के साथ खिला दूंगी बच्चों को। तो अभी हम लंच करेंगे, तो चलिए एक बार दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। ये है भिंडी फ्राई, तो भिंडी फ्राई बनाया है, साथ में बनाया है परवल फ्राई भी बनाया है मैंने। परवल फ्राई मैं हस्बैंड के लिए खास करके बनाती हूँ, हस्बैंड को बहुत पसंद है। साथ में बना है मूंग दाल, तो देखिए ये है मूंग दाल। मूंग दाल में मैं ज्यादातर जीरा और अदरक मतलब तड़के में डालती हूँ, और जो रेड चिली, सूखा जो रेड चिली होता है। और यहाँ पे देखिए पनीर आलू का पतला करी मैंने बनाया है, और साथ में है राइस, गर्मा गर्म राइस। तो राइस मैंने इंडक्शन में बना लिया है, तो अभी हम लंच कर लेंगे। और तो मैं काम कर रही थी, इसलिए मेरा हालत थोड़ा सा ऐसा हो गया है, सुबह का काम कर रही थी। तो अभी मैं मॉपिंग करूंगी, तो कल मैंने और ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था, तो आज मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ सुबह से। तो अभी मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं, तो मॉपिंग का काम अभी हो गया है, 2 रूम का बाकी है, तो 2 रूम का हो जाए उसके बाद जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और बच्चों के लिए मैंने सुबह आज राइस बना लिया है, क्योंकि बच्चों का तबीयत उतना ठीक नहीं है, पेट का हालत उतना ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं राइस खिलाऊंगी आज। और ब्रेकफास्ट में हमारे लिए बनाऊंगी पोहा। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो पोहा का रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ पोहा। तो बादाम लिया है और आलू को काट लिया है छोटा छोटा करके, और पोहा को मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क के भिगो के रख दिया था। तो चलिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, सबसे पहले मैं बादाम को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी।
सो देखिए मैंने पहले बादाम को फ्राई कर लिया है। अभी मैंने तेल में डाला है एक बे लीव्स यानी तेज पत्ता, और उसके बाद मैंने डाला है एक दालचीनी और इलायची यानी सिनेमिन और कार्डमोम। तो अभी मैं आलू डाल रही हूँ। जैसे आलू पोस्त तो बनाते हैं ना, तो वैसे ही मैंने आलू काट लिया है। तो मैं ऐसे ही आलू काट के मैं पोहा में डालती हूँ। तो आलू थोड़ा सा फ्राई करूंगी नमक और हल्दी पाउडर डाल के। जब थोड़ा सा आलू नरम हो जाएगा उसके बाद मैं पोहा ऐड कर दूंगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पोहा बना रही हूँ। तो अभी मैं 3-4 ग्रीन चिली को मैं छोटे छोटे करके काट लिया है, तो वो मैं अभी ऐड कर रही हूँ। तो उसके बाद थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. तो देखिए आलू थोड़ा सा नरम हो चुका है। अभी मैं पोहा ऐड कर रही हूँ। और ये जो पोहा है, ये जो पतला वाला पोहा होता है ना, एकदम पतला पतला, तो ये बहुत ही जल्दी नरम हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको नहीं भिगोया है, सिर्फ थोड़ा सा पानी छिड़क के मैंने ढक कर रख दिया था, तो वो ही नरम हो जाता है। तो देखिए, और अभी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा चीनी ऐड करूँगी। लास्ट में मैं थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करूँगी, और थोड़ा सा घी होता तो अच्छा होता। तो घी अभी फिलहाल मेरे घर पर नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं डालूँगी। और हम बंगाली में ना थोड़ा सा मीठा वाला जो पोहा होता है वही सबको पसंद है, थोड़ा सा पुलाव जैसा। तो इसीलिए हम थोड़ा सा घी, गरम मसाला पाउडर ये सब कुछ डालते हैं। तो चलिए मैं अभी अच्छी तरह से मिला लूँगी। उसके बाद लास्ट में मैं थोड़ा सा चीनी ऐड करूँगी। तो चीनी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिला लूँगी। 2-3 मिनट बाद मैं गैस ऑफ कर दूँगी। तो देखिए अभी मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने बोला है ना, थोड़ा सा मीठा वाला पोहा अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा नमक और ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने नमक एकदम कम डाला था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। अच्छी तरह से अभी मिला लूंगी। तो 2-3 मिनट के लिए मैं ऐसे ही मिला लूंगी। उसके बाद मैं बादाम ऐड कर दूंगी जो मैंने फ्राई करके रख दिया था। तो उसके बाद थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करूंगी। तो रेडी हो जाएगा पोहा। तो चाय के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो ब्लैक टी हो या फिर मिल्क टी हो, तो बहुत अच्छा लगता है ये जो पोहा चाय के साथ। तो चाहे मीठा वाला ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत टेस्ट आता है इस पोहा का। अगर आप ऐसे पोहा नहीं बनाते हो तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. हेलो फ्रेंड्स, तो मैं सुबह तो ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद और कोई मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा मूड उतना अच्छा नहीं था, बहुत मूड ख़राब था। क्योंकि सुबह से मेरे बेटे का जो तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, वॉमिट हुआ, उसके बाद फीवर जैसा लग रहा था, तो ठीक से खाना तक नहीं खाए हैं आज हम। कुछ भी मैं खिला नहीं पाई ठीक से, जो भी खाए थे वो भी वॉमिट हो गया था। उस पर मेडिसिन दिया, अब जाके थोड़ा सा ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग को एंड किया जाए, स्टार्ट किया था कल से, तो आज तो एंड करना पड़ेगा। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, जस्ट मैं अभी फ्रेश होके आई हूँ। और वैसे तो मैं 6:30 बजे तक शाम का चाय बनाना हो जाता है, चाय वाय पी लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था। तो बच्चे का तबीयत जब ठीक नहीं रहता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसीलिए तो होम्योपैथी मेडिसिन दे रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ, ये है, ये सारा मेडिसिन है। तो देखिए इतना सारा मेडिसिन मैं दिखाती हूँ। ये देखिए एक मेडिसिन और ऐसा है मेडिसिन, तो ऐसा वाला
और ये देखिए ये है होम्योपैथी मेडिसिन, तो होम्योपैथी सूट करता है तो इसलिए होम्योपैथी देती हूँ। तो ऐसा ब्लैक कलर का दो है, व्हाइट कलर का दो है, तो फोर टाइप्स मेडिसिन मैं दे रही हूँ, चार तरह का मैं मेडिसिन दे रही हूँ। एक पेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसके लिए एक है, फीवर के लिए एक है, और वॉमिट हुआ उसके लिए एक है। तो ऐसा करके चार टाइप का मेडिसिन मैं दे रही हूँ। तो मैंने तीन चार बार मेडिसिन देने के बाद अभी शाम के टाइम मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरे बेटे को देखा वो थोड़ा सा ठीक है, अभी खेल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी ब्लॉग को एंड करूँ। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, तो चलिए मैं चाय पहले, चाय तो बन चुका है, चाय बॉयल हो रहा है, तो चाय वाय अभी पीऊँगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ शाम के चाय के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा, कल से मैंने स्टार्ट किया है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।